नमस्कार बच्चों, अपना लेशन चल रहा है कंपनी, जिसमें अपना टॉपिक है इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर का जब इश्यू होता है तो वो दो प्रकार से होता है, एक तो शर्त रहित ऋण पत्रों का निर्गमन, एक होता है शोधन की शर्त सहित ऋण पत्रों का निर्गमन। अब अपना जो टॉपिक है वो है शोधन की शर्त सहित ऋण पत्रों का निर्गमन, यानी जब ऋण पत्र निर्गमन किए जाते हैं उस समय साथ में शोधन की शर्त लगा दी जाती है। शोधन सममूल्य पर होगा, बट्टे पर होगा या फिर प्रीमियम पर होएगा। पहले देखो शोधन का अर्थ क्या होता है। शोधन का अर्थ है भुगतान करना। शोधन यानी हो गया भुगतान करना, कि जब कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है उस टाइम क्या करती है, अमाउंट तो जनता से लेती है और उन्हें डिवेंचर देती है। जब शोधन करती है तो उन डिवेंचर्स को वापस लेती है और उनका वापस वो भुगतान करती है। तो शोधन का अर्थ होता है भुगतान करना। जब कंपनी निर्गमन करती है तो उस समय साथ में क्या करती है, शर्त लगा देती है भी उनका जो शोधन होएगा वो किस मूल्य पर होएगा, सममूल्य पर होएगा, बट्टे पर होएगा या फिर प्रीमियम पर होएगा। अगर शोधन सममूल्य पर हो या फिर बट्टे पर हो तो निर्गमन के समय आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, लेकिन जब आपको ये कहे कि इनका शोधन प्रीमियम पर होएगा तो उस प्रीमियम की व्यवस्था आपको पहले से करके रखनी पड़ती है और उसके लिए आपको एक एंट्री करनी पड़ती है। वो एंट्री होती है डेबिट में, तो लिखते हैं लो शोन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को तो डेबिट करते हैं, लो शोन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट को। यानी कि डेबिट तो किसको करेंगे, लो शोन इश्यू ऑफ डिवेंचर को, और क्रेडिट किसको करेंगे, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को। अमाउंट इसमें कौन सी आएगी, जो शोधन के समय प्रीमियम होएगा उसकी व्यवस्था आप पहले से करोगे और उसके लिए आप ये एंट्री करोगे लो शोन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये एंट्री आपको उसी दशा में करनी है जब शोधन प्रीमियम पर हो। अगर आपको ये कहे कि शोधन सममूल्य पर होएगा या फिर बट्टे पर होएगा तो आपको वही नॉर्मल एंट्री करनी होती है जो आप निगमन के समय करते हो, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होता। हाँ, तो हमारे पास तीन प्रकार से एंट्री हो सकती है, अगर निगमन सममूल्य पर हो लेकिन शोधन प्रीमियम पर हो, निगमन बट्टे पर हो लेकिन शोधन प्रीमियम पर हो, और तीसरा है जब निगमन भी प्रीमियम पे हो और शोधन भी प्रीमियम पे हो, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा इस एंट्री को जोड़ना पड़ेगा। तो तीन प्रकार से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। नंबर एक पे देखो, निर्गमन सममूल्य पर तथा शोधन प्रीमियम पर। निर्गमन सममूल्य पर तथा शोधन प्रीमियम पे, तो उसमें आपको एंट्री करनी पड़ेगी पहली तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, निर्गमन सममूल्य पर और शोधन प्रीमियम पे। तो दूसरी एंट्री करेंगे अपने डिवेंचर एप्लीकेशन को तो डेबिट करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और जो शोधन पे अब क्या है प्रीमियम है उसको आपको डेबिट करना है साथ में। लो शोन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लो शोन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन
ऑफ डिवेंचर अकाउंट। एंट्री बनी अपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे तो आएगा डिवेंचर का समूल्य, जितने का मान लो 100 रुपये का डिवेंचर आपने 100 में इश्यू किया, यहाँ पे 100 रुपये के हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पर जब आएगा डिवेंचर अप्लीकेशन अलॉटमेंट में, यहाँ पर भी 100 रुपये आएंगे। लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर में वह अमाउंट आएगी, मान लो आपको कहे कि 100 धन पे प्रीमियम 20 रुपये है, तो लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट में 20 रुपये के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट आएगी। टू डिवेंचर में अमाउंट आएगी जो अप्लीकेशन अलॉटमेंट में आएगी, यानी कि समूल्य आएगा। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में वही अमाउंट आएगी जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में आएगी। तो यहाँ पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में वह अमाउंट आएगी जो 100 धन पे प्रीमियम की अमाउंट होगी, वो यहाँ पर आएगी। तो ये क्या हो गया अपना समूल्य पर शोधन, सॉरी समूल्य पे निगमन और प्रीमियम पर शोधन। अब इसी का अपने एक एग्जाम्पल करते हैं, देखो एक्स वाई लिमिटेड ने 10,000 डिवेंचर है वो इश्यू किए हैं समूल्य पे, समूल्य इसका है 10 रुपये और निगमन भी किस पे किया है, समूल्य पे किया है। शोधन है 10% प्रीमियम पे, यानी आपको निगमन के समय शर्त बता दी कि इसका शोधन है वो 10% प्रीमियम पे होगा, तो इस प्रीमियम की व्यवस्था आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी। तो निगम 10,000 ऋण पत्रों का निगमन करना है, 10 रुपये उसका समूल्य है और निगमन किस पे करना है, समूल्य पे ही करना है, और बाद में इसका शोधन करना है वो 10% प्रीमियम पे करना है। एंट्री होगी देखो, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट आएगी यहाँ पे जितने का अंश है, जितने का डिवेंचर है और जितने में जारी किया, सम मूल्य पे जारी किया, और 10,000 डिवेंचर है तो 10,000 इंटू में 10, यहाँ पे अकाउंट अमाउंट आएगी वो 1,00,000 रुपये आएगी। यहाँ पे टोटल अमाउंट है वो कितनी आएगी, 1,00,000 आएगी। दूसरी एंट्री करोगे अपने डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अब 100 धन पे प्रीमियम वो 10% है, उसे क्या करोगे, डेबिट करोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे डिवेंचर अप्लीकेशन अलॉटमेंट में मूल्य आएगा तो सम मूल्य यहाँ पर आया, क्रेडिट के उतने से इसे डेबिट करो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में आएगी प्रीमियम की राशि, जो 100 धन पे प्रीमियम है जो कितना है, 10% है, तो 1,00,000 का 10% यहाँ पे आएगा 10,000 रुपये। टू डिवेंचर में आएगा फिर यही सम मूल्य यानी 1,00,000 रुपये, और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में आएगा जो लॉस में आया वो 10,000 रुपये। तो पहले एंट्री तो अपने एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की है, वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1,00,000 से, फिर उसी को डेबिट किया हमने डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,00,000 से। लॉस कितने का हो गया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इसका 1,00,000 का 10% 10,000 हो गया। डिवेंचर में अमाउंट आएगी वही समूल्य और टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में आएगा प्रीमियम की राशि 10,000 रुपये से। तो ये हो गया शोधन की शर्त सहित ऋण पत्रों का निगमन, जिसमें पहला पॉइंट हो गया निगमन समूल्य पर, शोधन प्रीमियम पे। नंबर 2 पे है इसमें
निर्गमन बट्टे पर तथा शोधन प्रीमियम पे निगमन है वो किस मूल्य पे है, बट्टे पर है, और शोधन है वो किस पे है, प्रीमियम पर है। इसकी एंट्री क्या करेंगे, देखो पहले निगमन बट्टे पर होएगा, मान लो 100 का डिवेंचर है, 10% बट्टा है तो 90 में जारी होएगा। तो पहली एंट्री जो अपने करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री होगी बट्टा काट कर। 100 वाला 90 में जारी किया तो यहाँ पे 90 के हिसाब से अमाउंट आएगी। दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आएगी वही 90 रुपये। यहाँ पे आएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पे आएगा जो निगमन पे डिस्काउंट देंगे, जैसे 10% दिया है तो यहाँ पे वो 10 रुपये आएंगे। टू लिखेंगे टू डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पे आएगा डिवेंचर का सम मूल्य, और इसमें साथ में आपको डेबिट उस लॉस को भी करना पड़ेगा जो शोधन पे प्रीमियम है, उसके लिए लिखोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये तो डिस्काउंट हो गया जो आप निगमन पे दोगे, ये प्रीमियम हो गया जो आप शोधन पे दोगे। टू करोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे आ गई अमाउंट बट्टा काट के, यहाँ पे बट्टे की राशि, यहाँ पे शोधन पे प्रीमियम की राशि, यहाँ पे सम मूल्य, यहाँ पे प्रीमियम की राशि। ये हो गया अपना निर्गमन बट्टे पर और शोधन है वो प्रीमियम पे। अब इसका एग्जांपल देखो, एक एक्स वाई लिमिटेड ने 10,000 डिवेंचर इश्यू किए हैं, इसका सम मूल्य 10 रुपये, डिस्काउंट है निगम वो 10% है, और शोधन पे प्रीमियम भी 10% है, बराबर 10%। यानी निगमन पे बट्टा 10% और शोधन पे वो प्रीमियम 10%। तो इसके दोनों अपने लिए लॉस हो गए, निगमन पे बट्टा लॉस होता है और शोधन पे प्रीमियम लॉस होता है। तो इसकी एंट्री होगी हम बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टू करेंगे डिवेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब देखो अपने दो एंट्री बनाते हैं तो एंट्री बनती है अपनी पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और टू डिवेंचर। अब मैंने क्या कर दिया, इन दो एंट्रियों को एप्लीकेशन से एप्लीकेशन काट के अगर चाहो तो आप ये एक एंट्री भी बना सकते हो,
और एक एंट्री कैसे बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बैंक में अमाउंट आएगी कौन सी, बैंक में आएगी 90 रुपये के हिसाब से, डिस्काउंट है वो 10 रुपये के हिसाब से, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर है वो 10 के हिसाब से, टू डिवेंचर सम मूल्य और टू प्रीमियम जो शोधन पे प्रीमियम होगा। चाहो तो आप वो दो एंट्रियां बना सकते हो, चाहो तो आप ये एक एंट्री भी बना सकते हो। अपने एक एंट्री के हिसाब से करते हैं इसको। देखो कि एक्स वाई लिमिटेड ने 10,000 सम मूल्य है जिसका 10 रुपये है, शेयर इश्यू किए, डिवेंचर इश्यू किए जिसपे डिस्काउंट कितना परसेंट है 10%, और शोधन पे प्रीमियम कितना है 10% है। आप इसकी एंट्री क्या करोगे, देखो तो इसकी एंट्री होगी, पहली एक एंट्री करना चाहो तो ऐसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो बैंक में कितनी अमाउंट आएगी, जैसे मान लो 10,000 है, सम मूल्य 10 रुपये है, 10% डिस्काउंट हो गया, तो बैंक में कितना आएगा 9 रुपये के हिसाब से, यानी बैंक में 90,000 रुपये आएंगे। बैंक में कितना आएगा 90,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में कितना आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में जितने का लॉस हुआ तो एक पे अपने कितने का लॉस हुआ है 10 रुपये का, यानी कि प्रीमियम पे शोधन पे प्रीमियम होता है वो लॉस होता है, तो एक पे 10 रुपये का हुआ, टोटल अपना कितना है 1,00,000, 1,00,000 का 10% यानी 10,000 का लॉस हो गया, तो यहाँ पे आएगा 10,000 रुपये। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 से, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर वो भी आएगा 10,000 से जो क्या है प्रीमियम पे डिस्काउंट है, डिवेंचर में कितना आएगा 1,00,000 रुपये और प्रीमियम में आएगा 10,000 रुपये। तो एंट्री बनेगी अपनी बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बैंक में समूल्य आ गया, लॉस में शोधन पे प्रीमियम आ गया, डिस्काउंट में डिस्काउंट की राशि आ गई, डिवेंचर में 1,00,000 रुपये प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10,000 से, इस प्रकार अपनी टोटल अमाउंट आ गई। चाहो तो इसकी दो एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन हो जाता वो 90,000 से, फिर यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन आके बाकी ऐसा का ऐसा आता। अब तीसरा बच गया इसमें निर्गमन प्रीमियम पर निर्गमन, तथा प्रीमियम पर शोधन, ये निर्गमन और शोधन दोनों प्रीमियम पे है। इसके अपने के दो एंट्री बना के देखते हैं भाई। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो शोधन पे प्रीमियम होगा उसके लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन
ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पे आएगा बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यहाँ पे आएगा प्रीमियम की राशि जोड़ के जो निगमन पे प्रीमियम 100 वाला हमारा 110 में इश्यू किया था, यहाँ पे 110 के हिसाब से आ गया। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आएगा समूल्य, लॉस में आएगा जो शोधन पे प्रीमियम होएगा, डिबेंचर में फिर आएगा समूल्य, यहाँ पर आएगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट में यहाँ पे जो क्रेडिट किया वो अमाउंट आ जाएगी टोटल जोड़ के प्रीमियम। डिबेंचर में समूल्य आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में जो निगमन पे प्रीमियम है वो आएगा और यहाँ पे जो शोधन में प्रीमियम है वो आएगा। अब इसका फिर एक एग्जाम्पल करते हैं अपने। तो मान लो एक्स वाई लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर इश्यू किए, समूल्य है बराबर 10 रुपये, जारी किया 10% प्रीमियम पे और शोधन करेगा इसका 10% प्रीमियम पे। कहने का मतलब निगमन के समय 10 रुपये 10% का 10 यानी 1 रुपये प्रीमियम हो गया, शोधन पे भी 1 रुपये प्रीमियम हो गया। तो इसमें एंट्री करेंगे अपने, पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जितने में जारी किया 10% प्रीमियम पे, तो 11 में जारी किए नहीं, तो बैंक में आएगा 10,000 × 11, 1,10,000 आएगा। तो बैंक में आ गया अपना 1,10,000, बैंक में कितना आ गया 1,10,000 आ गया। दूसरी एंट्री करेंगे अपनी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पर आएगा 1,10,000 रुपये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में कितना आएगा जो शोधन पे प्रीमियम होएगा, तो 10,000 हो गया, 10,000 यहाँ पे आएगा डिबेंचर में आएगा इसका सममूल्य यानी कि 1,00,000 रुपये, सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा जो यहाँ पे 10,000 रुपये निगमन पे प्रीमियम है और प्रीमियम इसमें आएगा 10,000 रुपये जो शोधन पे प्रीमियम होएगा। तो अपनी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वो बनेगी प्रीमियम जोड़ के जो निगमन पे प्रीमियम 110 के यानी 10% प्रीमियम जोड़ के 11 रुपये के हिसाब से डिबेंचर, तो 1,10,000 हो गए। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट कर दिया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में आएगा जो लॉस होएगा शोधन पे वो आ गया यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। टू डिबेंचर में आ गया, क्या आ गया डिबेंचर में इसका समूल्य आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में जो निगमन पे प्रीमियम है वो आ गया और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में ये आ गया जो शोधन पे प्रीमियम होगा। तो इस तरह से अपना हो गया ये टॉपिक शोधन की शर्त सहित ऋण पत्रों का निगमन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी आगे कल करेंगे इसी का एक लास्ट टॉपिक, उसके बाद अब वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।